पुलवामा पर इमरान के कबूलनामे से सामने आया पाक का खौफनाक सच। तो क्या अमेरिकी भीख के लिए सच स्वीकारने को मजबूर हुए इमरान खान? पाकिस्तान आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना है, वो आतंकियों की फैक्ट्री चलाता है, अपने यहाँ आतंकियों को पालता है और परोसता है और उसके जरिए भारत में आतंक फैलाता है। ये बात पिछले कई दशकों से भारत दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान इसे मानने को कतई तैयार नहीं था। लेकिन जब बात पेट पर आई तो उसके मुंह से असली सच्चाई निकल ही गई। जी हां, अमेरिकी दौरे पर गए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंकिस्तान की असली हकीकत बयां कर दी। पाक पीएम ने माना कि उनकी सरजमी पर 40 आतंकी समूह सक्रिय थे। इतना ही नहीं, इमरान खान ने 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए आतंकी हमले के मामले में भी ये कबूल कर लिया कि उस हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसका आका मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में रहता है। दरअसल इमरान खान ने अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए बड़ा खुलासा किया है। कैप्टन हिल में अपने संबोधन के दौरान इमरान खान ने कहा कि उनके देश में पिछली सरकारों ने अमेरिका को सच नहीं बताया, खास तौर से पिछले 15 सालों में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 40 अलग अलग आतंकवादी समूह सक्रिय थे, लेकिन हम अमेरिका की लड़ाई में शामिल हुए। पाकिस्तान का 9/11 से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं है, लेकिन हमने लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया। दुर्भाग्यवश जब चीजें खराब हुई तो मैंने सरकार की आलोचना की, लेकिन पूर्व की सरकारों ने अमेरिका को जमीनी हकीकत के बारे में नहीं बताया। इमरान ने ये भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकी ओसामा बिन लादेन की मौजूदगी के बारे में पता था। वहीं एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तानी पीएम ने अपने मुल्क में आतंकी संगठनों की मौजूदगी तो स्वीकारी, लेकिन अपने इसी दावे के साथ उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया। पुलवामा आतंकी हमले के बारे में इमरान ने कहा कि एक ऐसा मामला था जिसे स्थानीय आतंकियों ने अंजाम दिया था। उन्होंने दावा किया कि जैश ए मोहम्मद न सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है बल्कि कश्मीर में भी है और वहां से काम करता है। पुलवामा हमले के पीछे जैश के हाथ होने के सबूत भारत ने पाकिस्तान को सौंपे भी थे, लेकिन वो इसे नकारता रहा है। लेकिन अब जब वो बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है और उसे हर हाल में अमेरिकी भीख चाहिए, तो वो आतंकिस्तान की हकीकत स्वीकारने को मजबूर हो गया। इंडिया न्यूज़ भारत की रिपोर्ट।